भगवान राम मंदिर कार्य शुरू होने के बाद फर्जीवाड़ा व सोशल मीडिया पर मंदिर निर्माण के नाम पर धन वसूली के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। मुरादाबाद में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। श्री राम मंदिर निर्माण धन संग्रह टोली के नाम पर विश्व महाशक्ति संत नाम के संगठन से जुड़े ठाकुर प्रेमवीर सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर यूपी के भाजपा नेताओं का फोटो लगाकर चंदा मांगने की पोस्ट डाली थी। जब इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह को हुई तो उनके हस्तक्षेप के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल से फर्जी तरीके से अवैध वसूली करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ थाना मझोला में आईपीसी की धारा 419 आईटी एक्ट 66D में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोई विश्व हिंदू महासंघ करके कोई संस्था बनाकर और उसकी रसीद छापकर वसूली का काम, धन संग्रह का काम राम मंदिर के नाम पे किए जाने की शिकायत जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से मुझे मिली थी। माननीय जिलाध्यक्ष जी ने एक प्रार्थना पत्र देकर उस संस्था के उसके जो संचालक हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। और कोई भी हो जो गलत काम करेगा, फर्जीफिकेशन करेगा, उसे कानून अनुसार विधि सम्मत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग जिलाध्यक्ष जी ने की है। नहीं, उस पर जो उन्होंने छपाया है अपना, उस पर माने मुख्यमंत्री जी का, माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और जिलाध्यक्ष जी का मेरे फोटो हैं उसमें, लेकिन मुझे जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से संज्ञान में लाया गया है और उन्होंने मुकदमा लिखाया, इसकी सूचना मुझे मिली है। इस पार्टी जुड़ा हुआ है? नहीं, मेरा उस हम लोगों का उससे कोई संपर्क नहीं है, मेरे कभी संपर्क में वो रहे नहीं, कौन है क्या है, लेकिन जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से उनके इस जो उन्होंने ये काम किया है उस कार्य की जानकारी, अनैतिक कार्य की जानकारी जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से मुझे दी गई है और जिलाध्यक्ष जी ने थाने में उनके खिलाफ जो भी सुसंगत धारा है उनका मुकदमा दर्ज कराया। राम मंदिर का विषय समाज की आस्था से जुड़ा विषय है और संगठन की ओर से धन संग्रह का एक अभियान चलेगा भी फरवरी माह में, और इसके अलावा और कोई संस्था इसके लिए धन संग्रह का काम कर रही है इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, और जो भी लोग इस काम में, इस कार्य में लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह की फर्जी संस्था बनाकर धन संग्रह का काम होगा तो उनके खिलाफ तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, और इस प्रकार का जिलाध्यक्ष जी ने पत्र लिखा है उसके खिलाफ और उस पत्र के आधार पर एक मुकदमा दर्ज हुआ और मुझे विश्वास है कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ उन पर विधि सम्मत कार्रवाई उनके खिलाफ होगी।